हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्की स्किल्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो मेरा वीडियो हॉल है वो है लुलू एंड स्काई हॉल, लुलू एंड स्काई बैग हॉल। बेसिकली मैंने लुलू एंड स्काई से जितने भी बैग्स ऑर्डर किए हैं अभी तक, मैं उनका रिव्यू दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट है जो बैग है वो है ये वेलवेट वाला बैग जो मरून कलर का है। आप देखोगे मरून एंड पिंकिश कलर मिक्स है ये। और अगर बैग की क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस पर ये पूरा का पूरा थ्रेड वर्क है। इसे एक बार क्लोज लुक मैं आपको दिखाती हूँ। एंड साइज वाइज आप देख रहे हो, एक हाथ जितना मतलब मेरा हैंड का साइज है उतना इसका साइज है। यहाँ से आप इसे इस तरह से रिमूव करोगे और ये पूरा का पूरा इस पे वर्क है। एंड अगेन इसके जो नीचे है ये भी पूरा वर्क है। बैक में ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वेलवेट का इसका जो मटेरियल है वो वेलवेट का है। अंदर वाला जो है वो लेदर मटेरियल दिया हुआ है एंड काफ़ी हार्ड है, अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसके अंदर की बात करूँ तो इस तरह से आपको होल्ड करने के लिए बैग आप देख रहे हो। ये जो है ये भी सिल्क टाइप जो थ्रेड होता है उसका बना हुआ है इसका, और आप इस तरह से इसे कैरी कर सकते हो। अगेन यहाँ पे ये वेलवेट का नहीं है, इसे लेदर का ये जो पोर्शन है ऊपर का ये लेदर का है। आप इस तरह से, और लेंथ वाइज भी इसकी अच्छी खासी है, आप इस तरह से इसे होल्ड कर सकते हो बैग को, नहीं तो आप इसे अंदर डाल के हैंड में भी होल्ड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्पेस की बात करूं तो दो पोर्शन दिए गए हैं, कोई चेन या कुछ ऐसा नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। थोड़ा बहुत आप कुछ पार्टी के लिए जा रहे हो या थोड़ा लिपस्टिक या मोबाइल आप ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हो, बट अदरवाइज ज़्यादा स्पेस नहीं है। साइड की इसकी बात करूं तो इस तरह से नॉट दिए गए हैं जिसमें आप देख रहे हो एक ही साइड में इस तरह से बीट्स डाले गए हैं इसमें। इसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट स्पेस वाइज ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस नहीं है इसका। इस तरह से आप डाला ये क्लोज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो जो इसका प्राइस है वो है 3799, बट इतने में तो मुझे नहीं मिला है। मुझे ये अराउंड 500 या 600 के अराउंड मिला था। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, मैं पिक्चर के साथ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, इस ब्रांड की कोई लिंक नहीं है सो इसीलिए मैं फ़ोटोज़ आपको डाल के दे रही हूँ, फ़ोटो से आप सर्च कर सकते हो या नेम से आप सर्च कर सकते हो। इसका नेम मैं मेंशन कर दूंगी, मैंने आपको उसका प्राइस बता दिया है। एंड अगेन ब्रांड भी बता देते, लुलू एंड स्काई इस तरह से टैग आपको लगा हुआ मिलेगा। तो ये था फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट बैग। जो नेक्स्ट बैग है, इसके सारे ही बैग आपको इस तरह से पैकेज में या ट्रांसपेरेंट शीट में मिलेंगे, पैक होके अच्छी तरह से पैक होगा। जो नेक्स्ट बैग है वो ये बैग है, स्लिंग बैग टाइप है ये। अगेन छुटकू सा ये बैग है, साइज़ आप देख ही रहे हो, ज़्यादा साइज़ नहीं है। और इसके अंदर की इस तरह से एक टच बटन टाइप है यहाँ पे जिसको आप क्लोज कर सकते हो बैग को। अंदर की बात करूँ तो बहुत छुटकू सा पाउच दिया गया है इसके अंदर, जिसमें एक चेन है, आप डाल के इसमें डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था इसके अंदर। और क्या क्या है, ये तो दिया ही है होल्ड करने के लिए। इसके साथ एक और बेल्ट दी गई है जिसको आप लगा के से बड़ा साइज छोटा साइज जैसे आपको यूज़ करना है वो कर सकते हो। और क्या है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बस ये खाली है। अंदर से कोई चेन या कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया गया है, साइड में ये लगाया गया है इस तरह से, इसे स्टाइलिश दिखाने के लिए। तो ओवरऑल लुक जो है वो बैग की मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बैग है। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस था 3,299.99। अगेन मुझे इस प्राइस में रिसीव नहीं हुआ, जितना मुझे प्राइस में रिसीव हुआ, जितने भी बैग्स हैं एक बैग को छोड़ के बाकी सारे के सारे बैग मुझे 700 से नीचे ही मैंने परचेज़ किए हैं। क्वालिटी वाइज अगर बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है बैग की, आप ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो। लुलू एंड स्काई पर बहुत अच्छी बैग की वेराइटी भी है, एंड आप थोड़ा सा प्राइस में जाते हो तो बहुत अच्छे अच्छे आपको बैग मिल जाएंगे। एंड थोड़ा वेट भी कीजिएगा क्योंकि बीच बीच में उसमें बहुत अच्छे ऑफर आते हैं, डिस्काउंट आते हैं, जिसपे आप वो प्रोडक्ट ले सकते हो। मेरा नेक्स्ट बैग है वो है ये ब्लैक कलर का बैग जो मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा था और डिफरेंट भी लगा था। इस पर लेदर पे ही वर्क हुआ है, ये थोड़ा ना बी वाला उस टाइप से वाइब देता है। आप देखोगे तो सेम वैसे वैसे ही कलर है। यहाँ पे बीट स्टोन्स लगाए गए हैं। इस बैग को आप इस तरह से ट्विस्ट करोगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अंदर स्पेस की बात करूँ तो इस बैग में अच्छा खासा स्पेस है। इसमें दो पोर्शन दिए गए हैं, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकेंड पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ। इसमें चेन भी है, चेन है और थ्री और पोर्शन है। यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हो, आपको पास से दिखाती हूँ। 1, 2, 3 एक और दिया गया है और यहाँ पे चेन दिया गया है। यहाँ पे एक लुलू एंड स्काई वाला टैग लगा हुआ है।
अंदर का जो मटेरियल है वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो ये था जो बैग के अंदर की बात। अगर मैं बात बाहर की बात करूँ तो इस तरह से आपको होल्ड करने के लिए एक बेल्ट दी गई है एंड साइड में एक बहुत अच्छा सा टैग दिया गया है। बहुत क्यूट सा अच्छा सा टैग दिया गया है, बहुत ही अच्छा बैग है। होल्ड तो आप अगेन बेल्ट के जरिए कर सकते हो, आपको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। स्पेस बहुत अच्छा खासा है। प्राइस की बात करूँ जो इस पर रिटर्न प्राइस है, बिकॉज आपको साथ साथ बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, 4749 काफ़ी महंगा है, पर मैं इतने प्राइस में मैंने नहीं लिया था। मैंने जैसा कि आपको बताया है एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी फोटो के साथ, सो आपको पता चल जाएगा इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो ये है बैग, थर्ड बैग जो मैंने आपको दिखाया है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है। और आप देख रहे हो बेल्ट पे भी स्टोन और इस तरह से बीड्स ये सब लगाया है, तो काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। इस ऐसे बैग आपने जीन्स अच्छे से लेदर जैकेट ऐसा कुछ लिया तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। आपने वेस्टर्न कोई ड्रेस डाली है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आप होल्ड कर रहे हो ऐसा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है कि आप ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, तो अच्छा लगेगा। ये था थर्ड बैग। फोर्थ बैग बहुत ही कहते हैं ना सिंपल सोबर, बट बहुत एलिगेंट और रिच लुक देता है, तो उस टाइप से है ये बैग। मुझे बहुत पसंद है, मतलब इस तरह से क्लच बोलेंगे हम इसे, बैग तो नहीं क्लच। तो ये क्लच मुझे क्यों पसंद है उसके बहुत सारे रीज़न है। ये तो सिंपल ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है, बट आप इसकी बेल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही अच्छा लगता है जब आपने यहाँ पे लिया हुआ है ऐसे किसी भी शॉर्ट ड्रेस के साथ, मतलब पार्टी में जा रहे हैं ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। और कलर वाइज भी ब्लैक है एंड ये पूरा का पूरा मेटेलिक वाला टाइप आ गया, तो बहुत अच्छा लगता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं इसे एक दो बार यूज़ कर सकती हूँ। और मुझसे हर किसी ने पूछा है कि ये क्लच तुमने कहाँ से लिया है, क्योंकि सिंपल क्लच आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट इस चीज़ को लेके, ये बोलते हैं ना कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है, क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से लोग उसे नोटिस करते हैं, तो इसकी वजह से लोग हमेशा इसे नोटिस करते हैं। इसके अंदर की बात करती हूँ ओपन करके, तो अगेन जैसे क्लचेस में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इसमें है लिपस्टिक, आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, तो इसका भी वही है। और प्राइस की इसकी बात करूँ तो 3000 इसका प्राइस था, और मुझे ये 500 समथिंग कुछ प्राइस में मिला था। एग्जैक्ट प्राइस वही है कि आपको मैं मेंशन कर दूँगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फोम वाला है, आप देखोगे ये ऐसा शाइन वाला, आपको हल्की सी शाइन आ रही पता चल रहा होगा, हल्का सा शाइन, एक्सेक्ट पता नहीं अभी कैमरे में दिख रहा है, यानी बहुत हल्का सा लाइट सा शाइन है, फॉर्म वाला है, थोड़ा स्पॉन्जी सा ऐसा लगेगा, बट अदरवाइज क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये था 4th पीस। अब 5th पीस की ओर, ये जो मेरा लास्ट पैक है 5th पैक है, वो काफ़ी बड़ा है बहुत, आप इसे ऑफिस में लेके जा सकते हैं, लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा स्पेस है, आप ले सकते हैं इसे। तो ये बैग है मेरा, मुझे ये बैग बहुत पसंद है। और मैंने इस बैग की भी मैं बताऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाले बैग मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट मैंने एक दो बार यूज़ किया है, ऑफिस लेके गई हूँ, मुझे हर किसी ने पूछा है, ट्रस्ट मी, हर किसी ने एयरपोर्ट पे या बाहर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये बैग आपने कहाँ से लिया है, कौन से ब्रांड का, हमें भी लेना है, बिकॉज क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मीन्स बहुत अच्छी है। मैं आपको तो इसे रिकमेंड ही करूँगी, आपको लुलू एंड स्काई पे ये दिखता है, इसके कोई भी कलर दिखते हैं आप लीजिए, बिकॉज ये मुझे 1600 का मिला था, और 1600 ये बैग मिलना इम्पॉसिबल है, मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। स्पेस बहुत, अभी मैंने इसमें बहुत सारा अपना कुछ उल्टा पुल्टा सामान भरा हुआ है, मतलब जो भी ऑफिस वाला और जो भी और सामान था वो मैंने इसमें डाला हुआ है। इस टाइप से इसके अंदर एक दिया गया है जिसके अंदर आप कॉइन्स या कुछ भी छोटा सा चीज़ आप इसमें डाल सकते हो, बाहर कैरी कर सकते हो, इसको अंदर डाल सकते हो। स्पेस बहुत सारा, आप देख ही रहे हो इतना ह्यूज बैग है, यहाँ पे चेन है, अगेन दूसरी साइड भी इसमें चेन है, स्पेस है बहुत सारा। एंड क्लोज करना, ये अंदर की साइड में इस तरह से क्लोज हो जाएगा और आप इसे कैरी कर सकते हो। ये जितने भी फ्लार हैं, जितने भी फ्लार की कटिंग लगी हुई है, ये सारी लेदर की है, और इसे बहुत अच्छी तरह से इन बीड्स की हेल्प से वो किया गया है। अंदर की साइड में तो आपको फील होगा नहीं, बट बहुत अच्छे से अटैच किया गया, ऐसा नहीं है कि आपने खींचा है, कोई बच्चा खींचेगा तो निकल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ निकाल के, ऐसा कुछ नहीं। मुझे गाइस ये बैग तो मेरा पर्सनली फेवरेट है, तो आपको भी रिकमेंड तो मैं ज़रूर ही करूँगी। आप अगर इसके होल्डर की बात करोगे तो बहुत ही अच्छी ग्रिप है, आप अच्छे से पकड़ सकते हो, स्ट्रांग है, आप कितना ही सामान, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसमें काफ़ी सारा सामान भरा और मैं लेके गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से स्टिच निकल जाए, स्टिचिंग वाइज फिनिशिंग सब बहुत अच्छी है। तो ये तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये थी मेरी लुलू एंड स्काई से की गई शॉपिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिए।